तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गार्डन केयर टिप्स में। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा पांच ऐसे पौधों के बारे में जिनकी जो केयर है वो बिल्कुल कम है। अगर दोस्तों आप बिगनर हैं, आपने अभी अभी जो गार्डनिंग है वो स्टार्ट की है, तो दोस्तों इन पौधों को आप अपने घर में जरूर लगाएं। और ये जो पौधे हैं ये प्यूरीफाई प्लांट हैं, जो आपको जो ऑक्सीजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देंगे, और इनकी जो केयर है वो भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपने नॉर्मली जो केयर है वो करनी है, सिर्फ पानी है जो वो समय पर देना है। तो वो कौन कौन से पौधे हैं, उनके नेम, उनके रेट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले पांच ऐसे पौधे बताता हूं जो आप आउटडोर आपके घर के आसपास अगर आपके पास जगह है तो वहां पे लगा सकते हैं, जो कि आपको जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा देंगे और जिनकी केयर है वो भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ नॉर्मली जो पानी है आपने सिर्फ वन मंथ तक देना है, उसके बाद जो पौधे हैं अपने आप अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। तो वो कौन से पौधे हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताऊंगा जो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ आप जरूर लगाएं। आपको 30 से 40 रुपए की रेंज में मिल जाएगा, काफ़ी जगह ये पौधा जो है वो ले लेता है, लेकिन जो आपको 24 घंटे जो ऑक्सीजन है वो देता रहेगा। तो दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा बड़ के बारे में। जो बड़ का पेड़ है वो भी काफ़ी जगह में जो है वो लगता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ नॉर्मली जो पानी है आपने इसे वो देना है और वन मंथ में ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा, और ये पौधा भी 24 घंटे जो ऑक्सीजन है वो देता रहता है। तो तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा नीम के पेड़ के बारे में। नीम के पेड़ को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, ये पौधा भी आपको 30 से 40 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। और नीम एक एंटीपैटिक जो पौधा है, अगर बुखार का वायरल होता है तो उसे भी रोकता है, और जो ऑक्सीजन है वो भी आपको 12 से 16 घंटे जो ऑक्सीजन है ये पौधा देता रहता है। तो फोर नंबर पर मैं बात करूंगा फाइकस के बारे में, जो कि पीपल की ही वैरायटी है, जिसे आप अपने घर के आसपास कहीं भी लगा सकते हैं। तो फाइव नंबर पर मैं बात करूंगा रबड़ प्लांट के बारे में। रबड़ प्लांट का पेड़ है जो वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जो रबड़ प्लांट का डिवार्फ वाला पौधा जिसे पॉट में लगा सकते हैं वो भी मिल जाता है। तो रबड़ प्लांट को भी आप जरूर लगाएं, रबड़ प्लांट भी 24 घंटे जो ऑक्सीजन है वो देता रहता है। तो दोस्तों ये तो थे वो पाँच पौधे जो आप आउटडोर लगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा फाइव ऐसे पौधों के बारे में जो आप अपने घर के अंदर इनडोर लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा स्नेक प्लांट के बारे में। दोस्तों स्नेक प्लांट की जो केयर है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपने नॉर्मली पानी देना है, और स्नेक प्लांट में आपको काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ हैं वो मिल जाएंगी। जैसे कि एक डिवार्फ वाली वैरायटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये डिवार्फ वाली वैरायटी है, और जल्दी इनके जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं इनको। और दोस्तों ये पौधा प्यूरीफाई है और बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो देता है, और सिर्फ आपने नॉर्मली पानी देना है, नॉर्मली जो सॉइल होती है उसमें लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इस पौधे को बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं, तो इस पौधे को आप अपने घर में जरूर लगाएं। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा चाइना पाम के बारे में, जो आपको 50 से 60 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। और इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पत्तियाँ हैं। और दोस्तों इस पौधे की कोई भी एक्स्ट्रा जो केयर है वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो पानी है वो समय पर देना है, और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट मंथ में एक बार दे सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी अभी जो गार्डनिंग है वो स्टार्ट की है, तो दोस्तों इस पौधे को आप जरूर अपने घर में लगाएं, और ये पौधा आपको जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी मात्रा में देता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं इस पौधे को रेकमेंड करूँगा, आप इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करूँगा स्पाइडर प्लांट के बारे में, जो इनडोर प्लांट है, जिसे आप 8 से 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और दोस्तों ये पौधा भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो पानी है वो देते रहना है, और मंथ में एक बार बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इस पौधे की पत्तियां भी काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होती हैं, इसे आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। तो ये पौधा भी आप जरूर लगाएं अगर आप बिगनर हैं तो। तो फोर नंबर पर बात करूँगा मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट की जो कटिंग है वो भी आप ईजी लगा सकते हैं, और मनी प्लांट बहुत ही जल्दी जो बुशी है वो भी बन जाता है। तो मनी प्लांट का पौधा आप अपने घर में लगाएं, और मनी प्लांट भी बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो आपको देता रहता है, और मनी प्लांट की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो बर्मी कंपोस्ट है वो देनी है, और दिन में जो पानी है वो एक बार देना है, तो आपका पौधा बहुत अच्छी जो ग्रोथ है वो करेगा। फाइव नंबर पर मैं बात करूंगा एग्लोनीमा के बारे में। ये है ग्रीन एग्लोनीमा। इस पौधे की केयर ज़्यादा नहीं है, पानी भी ज़्यादा नहीं देना है इसको, आपने पानी कम देना है, और इसे आप 10 से 12 इंच पॉट में लगा सकते हैं, और ये पौधा भी आपको इनडोर बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो देता है। तो दोस्तों ये थे वो पाँच पौधे जो आप इनडोर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है, आप अपने घर में प्यूरीफाई जो प्लांट है वो लगाना चाहते हैं, तो इन पांच पौधों को आप अपने घर में इंडोर लगा सकते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पांच आउटडोर प्लांट बताए वो आप आउटडोर अपने घर के आसपास में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।